हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो देखिएगा, अपने जो पेपर्स चल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके अंदर हम बात करेंगे मैथ का है और आरआरबी जेईन के लिए। और ये जो पेपर है, ये जेई के अंदर पूछा गया था 14/12/2014 का, ग्रीन सेट है, उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट वन के अंदर मैंने 15-20 क्वेश्चन किए थे और सेकंड के अंदर जो 10-15 क्वेश्चन और बच गए थे वो करेंगे इसके अंदर। तो यह अपना पार्ट टू, वैसे वीडियो नंबर दो है किसके लिए, जेईन मैथ के। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अपने को ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आप चाहो तो इसके फैक्टर कर सकते हो, 6 है, इसके आप ऐसे फैक्टर कर लो 2 और 3, और जो बड़े वाला होता है वो आपके आंसर हो जाता है। लेकिन अगर इसको सिंपल प्रोसेस में करना चाहे तो दी हुई संख्या को अपन अक्स के इक्वल मान लेते हैं। अक्स इक्वल टू हो जाता है अपने, ये होगी अंडरूट में 6 प्लस जो भी दे रखे इसको हम मान लेते हैं, ओके। अब दी हुई संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा 6 प्लस अंडरूट में वही चलती रहेगी इसी तरीके से, ठीक है। अब देखो ये जो चल रही है इन्फिनिटी तक चलती रहेगी, इसको वापस से आप अक्स मान दो, क्योंकि अपने अक्स ही माना था तो इसकी जगह अक्स रख दिया। अक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस अक्स, ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको अपन एक साइड में ले लेते हैं, एक साइड में लेंगे तो हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, मैं यहीं पर फैक्टर कर देता हूँ इसके, मतलब गुणा करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए, माइनस के 6, यानी आउटर संख्या क्या है 1 और माइनस 6, गुणा यानी गुणा करने पे आना चाहिए माइनस 6, जोड़ने पे क्या आना चाहिए माइनस 1, क्यों, बीच वाली संख्या माइनस 1। तो ऐसी संख्या देखो कि गुणा करने पे माइनस 6 है, जोड़ो तो माइनस 1 आए, तो मेरे पास जो संख्या है माइनस 3 और 2 है प्लस के 2, तो यानी गुणा करने पर आ गई मेरे पास माइनस 6 और गुणा करने जोड़ने पर आ गई 1। ये होती है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप डायरेक्ट करने का क्या होता है कि अक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका भाग दे दो, अक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। थर्ड स्टेप होती है उसके अंदर साइन चेंज कर दो 3 और माइनस 2, तो माइनस 2 कभी वैल्यू नहीं आएगी, इसके अंदर जो संख्या आएगी वो आ जाएगी प्लस 3 वाली, तो प्लस 3 अपना आंसर हो जाएगा। ये तो इसका डायरेक्ट मेथड हो गया। यहाँ से आप फैक्टर बना के भी कर सकते हो, अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, लिख लो अक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अक्स कॉमन लिया, अक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, अक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, अक्स माइनस 3 अक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अक्स बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ से अक्स बराबर हो जाएगा माइनस 2। तो ये पूरी प्रोसेस करने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे तीन स्टेप के अंदर कर सकते हो। पहले स्टेप के अंदर इसके फैक्टर करो, दूसरे स्टेप में अक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दो, थर्ड स्टेप के अंदर इनके साइन चेंज कर दो, तो यहाँ से अपना जो आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 3 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ए बी सी डी है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, कहे तो समांतर श्रेणी के अंदर है, तो ई माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। तो हम पहले तो रख लेते हैं इन सबको। तो देखो ए बी सी डी ई एफ समांतर श्रेणी में, इसका मतलब होता है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। जैसे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप मान लो अक्स मान लो, तो इसका भी डिफरेंस अक्स रहेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अक्स रहेगा, यानी इनके बीच का डिफरेंस सेम रहेगा कुल मिला के। तो ये पहली संख्या तो ए है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी ए प्लस एक्स, राइट। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी ए प्लस टू एक्स, ये संख्या क्या हो जाएगी ए प्लस थ्री एक्स। थ्री एक्स कैसे हुआ, ये तो ये बाद में 1, 2, 3 एक्स जोड़ दिए, ये क्या हो जाएगी ए प्लस चार एक्स, ये क्या हो जाएगी ए प्लस पाँच एक्स, इस तरीके से हो जाएगी। पाँच एक्स कैसे हुआ, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एक्स जोड़ दिए। अपने को बताना कि ई माइनस सी, तो ई माइनस सी का डिफरेंस निकाल लो, ई माइनस सी, ई की जगह क्या है ए प्लस चार एक्स, ए प्लस चार एक्स माइनस सी की जगह क्या है, सी की जगह है ए प्लस टू एक्स, ये रख दिया ए प्लस टू एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो ए प्लस चार एक्स माइनस ए माइनस टू एक्स, ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा, चार एक्स में से टू एक्स के टू एक्स अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तो एक्स है नहीं, एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। देखो क्या आ जाएगा, एक्स का मतलब इनका अंतर, यानी दूसरे में से पहले का अंतर, दूसरे में से पहले घटा दो तो अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी दूसरी है बी माइनस ए, बी माइनस ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 × b - a, अक्स की वैल्यू रख दी और ये ही अपना आंसर हो जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पूछा है ई माइनस ई, तो 2b - a अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिवन दैट लॉग 2 इक्वल टू 0.3 अप्रॉक्सीमेट 1 बिलियन वुड बी अप्रोक्स। तो देखो पहले अपने एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही, उसके अंदर 1 बिलियन की वैल्यू अपने गलत ली थी, 1 मिलियन की वैल्यू तो अपने बताई थी 10 लाख, लेकिन 1 बिलियन की वैल्यू उसके अंदर गलत बताती थी। 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब होता है, और इसके अंदर होता है 10^9 लगती है, और 1 मिलियन में लगती है 10^6, 10 लाख, ठीक है। तो देखो 1 बिलियन की बात हो रही है,
इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की जरूरी है। देखो लॉग टू है, इसकी वैल्यू 0.3। इसी प्रकार लॉग टू, अगर मैं बात करूँ दो की वैल्यू, समझिएगा दो की वैल्यू एक करता हूँ। देखो इसमें कहा है कि लॉग टू की वैल्यू इसके अप्रोक्सीमेट होती है, अप्रोक्सीमेट बोला है इसके अंदर, तो 1 बिलियन की वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेट होगी? तो सबसे पहले तो अपने को लॉग की टर्म्स के अंदर जाना नहीं है, ये वैसे बताया जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग होती है अप्रोक्सीमेट। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि लॉग टू की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट, ये है इसकी वैल्यू वैसे तो होती है 0.301 इस तरीके से, लेकिन अप्रोक्सीमेट ये दी है। तो 1 बिलियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होगी? तो देखो 1 बिलियन का मतलब हो गया 10^9। ओके करेक्ट। अब देखो दूसरी बात, 2^1 करते हो तो आता है 2, 2^2 करोगे तो आएगा 4, 2^3 करोगे तो कितना आएगा 8। इसी प्रकार आप 2^10 करोगे तो आएगा आपके पास 1024। करके देख लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 × 64, 64 × 128, 128 × 256, 256 × 512, 512 × 1024, यानी 2^10 बराबर 1024 आ गया। ध्यान दीजिए बस यहीं तक अपने को समझना है, 2^10 इक्वल टू 1024। अब इसको मैं अप्रोक्सीमेट 1000 कर दूँ, 1000 कर दिया, यानी 2^10 अप्रोक्सीमेट 1000, 2^10 अप्रोक्सीमेट 10^3 कर दी मैंने, 1000 का मतलब 10^3। अब देखो यहाँ मेरे को डबल करना है तो यहीं वैसे ही इसका डबल कर देना है, यहाँ मैं 2^20 करूँगा तो मेरा जो आंसर बनेगा 10^6, यहाँ मैं 2^30 करूँगा तो मेरा जो आंसर बनेगा इसमें 3 और कर लो 10^9। तो 1 बिलियन यानी 10^9, और 10^9 का मतलब हो गया 10^30, तो अपना जो आंसर बन जाएगा यहाँ से 2^30। ठीक है, देखो दोबारा से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो 2^1 होता है 2, इसी पर 2^10 होता है अपना 1024, इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया 1000, 1000 का मतलब हो गया 10^3। तो देखो 1 बिलियन होता है, इसका मतलब होता है 10^9, अगर 10^3 है वो अप्रोक्सीमेट है आपके 2^10 के, तो 10^6 अप्रोक्सीमेट बनेगा आपका 2^20 के, 10^3, 6, 9 बनेगा आपके पास अप्रोक्सीमेट 2^30 के, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा 2^30। नंबर ऑफ पोजीशन ऑन एक्स एक्स विच आर 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट्स 4, 1 आर, ये है आपका एक्स एक्स, इसमें आपका एक पॉइंट दे रखा है 4, 1 है, एक्स एक्स के निर्देशन दे दिए। अब ये कह रहा है कि यहाँ से 2 यूनिट दूर, अब यहाँ से मान लो ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट डिस्टेंस हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्स विच आर 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट आर, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे? अब देखो ये लाइन है, इसमें अपन बता तो नहीं सकते कि कितने पॉइंट बनेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंटों से मिलके बनेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स कितने बनेंगे यहाँ तक 2 यूनिट तक, अपने को कुछ पता नहीं है, यानी इन्फिनिटी पॉइंट्स बनेंगे। यही पूछा गया कि यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं वो कितने होंगे, तो वो होंगे इन्फिनिटी अनंत, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4, 3 फ्रॉम ओरिजन, जो अपनी निर्देशांक ज्यामिति होती है उसके अंदर -4, 3 की ओरिजन से डिस्टेंस कितनी है? ओरिजन को बोले तो 0, 0, यहाँ से पॉइंट है -4 और 3, इन दोनों के बीच की कुल मिला की दूरी बतानी है। तो इसमें हम डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, ये होगी अपनी डिस्टेंस। तो एक निर्देशांक तो अपने पास ये x2 y2, इसको ले लो, x1 y1 हो गया 0, 0, ओरिजिन है इसलिए x1 y1 हो गया 0, 0, वैल्यू रख दो इसके अंदर डायरेक्ट आप करोगे तो देखो x2 यानी -4 का स्क्वायर कर दो मैं डायरेक्ट, प्लस y2 यानी 3 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर होते ही वो संख्या प्लस में बदल जाएगी। तो ये हो गया 9, 4 × 16 प्लस 3, 3, 9, ये हो जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट 5, तो जो डिस्टेंस रहेगी वो हो जाएगी 5, ठीक है, आंसर हो गया अपना 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, जब एक नंबर को आप 5 से भाग करते हो तो ये रिमाइंडर यानी शेष 3 देते हैं, 3 दे दिया। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, जब उसके स्क्वायर को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना शेष बचेगा? तो देखो इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से आपको करना है, तो डायरेक्ट आपके पास देखो ये जो रिमाइंडर है ना इसी को ले लो, इसी को संख्या मान लो, जो रिमाइंडर बता रहे हैं उसी को संख्या मान लो, 3 है इसमें 5 का भाग दो तो ये कह रहे हैं 3 शेष बच रहे हैं, ठीक है, अपन ने ये मान लिया, वैसे भी 3 शेष बचता है। अब इसके स्क्वायर ले लो, स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करो,
तीन का स्क्वायर उसमें पाँच का भाग दो, यानी नौ, नौ में पाँच का भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, चार। तो आपका आंसर हो जाएगा चार। ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करना हो तो डायरेक्ट जो रिमाइंड दे रखा है उसी को संख्या मान लो, उसमें भाग दो और उसी को एक बार रिमाइंडर मान लो, दूसरी बार में उसका स्क्वायर करो और भाग दो तो आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से आपको करना है तो आपको जो संख्या मान लो पाँच अक्स प्लस तीन, तीन क्या है, तीन क्या जोड़ी रिमाइंडर है, उसमें हमने पाँच ये ले लिया, पाँच का भाग दे दिया, पाँच अक्स प्लस तीन इस तरीके से हम संख्या मान लेते हैं, इसका स्क्वायर करोगे पाँच अक्स प्लस तीन का स्क्वायर तो कितनी हो जाएगी, पच्चीस अक्स स्क्वायर प्लस नौ प्लस हो जाएगा पाँच पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस अक्स, क्यों ये बनेगा ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी, टू ए बी का मतलब पाँच पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस अक्स, ये हो गया पच्चीस अक्स स्क्वायर प्लस तीस अक्स प्लस नौ। अब देखो पच्चीस अक्स स्क्वायर प्लस तीस अक्स प्लस नौ को मैंने ले लिया पाँच प्लस चार, क्यों पाँच को इस तरीके से कर लेता हूँ क्योंकि पाँच का भाग दे रहे हैं, पाँच का ये देखो पाँच यहाँ से कॉमन आ जाएगा सबके अंदर, यानी इन सब के अंदर तो पाँच का भाग चला जाएगा लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा शेष, यहाँ से अपन आंसर बता देंगे। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन थ्री आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स एंड टू आइडेंटिकल रेड बॉल्स बी अरेंज बिसाइड ईच अदर इन ए स्ट्रेट लाइन, कितने तरीके से तीन तो रेड बॉल्स, तीन तो व्हाइट बॉल है, तीन तो है आपके पास व्हाइट बॉल्स और दो है आपके पास रेड बॉल्स, उनको एक दूसरे के अरेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रखते हुए, जैसे कि बिसाइड्स इच अदर, एक दूसरे के बगल में रहते हैं, जैसे वाइट रेड, वाइट रेड वाइट, या रेड से शुरुआत करो रेड वाइट रेड वाइट, वाइट तो होएगा नहीं क्योंकि बगल में नहीं आएगी। तो देखो किस तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं, तो आपके पास वाइट है तीन बॉल तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तीन फैक्टोरियल के रूप में, रेड कितनी है आपके पास दो, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल दो के रूप में, दोनों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं तीन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड दो फैक्टोरियल, तो तीन का तो हो जाता है तीन इंटू दो इंटू एक, दो फैक्टोरियल का हो जाता है दो इंटू एक, तीन दूनी छः, छः दूनी बारह आपका आंसर हो जाएगा, मतलब इनको अपन बारह तरीके से एक दूसरे के अगल बगल में रख सकते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन, यदि कोई ट्राइंगल है उसकी दो तो आपको साइड दे रखी है, एन एंगल नॉट इंक्लूडेड बाई द टू साइड इज ऑल्सो गिवन, और एक एंगल भी दे रखा है जो दोनों भुजाओं के द्वारा इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि ये दो साइड्स हैं ले ली ए और बी, अब इनके द्वारा नॉट इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, या तो ये ले लो या ये लो, ये एक एंगल ले लिया ठीक है, मतलब ये हो गया दो तो साइड हो गई एक एंगल हो गया, नॉट इंक्लूडेड बाई द टू साइड इज ऑल्सो गिवन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन एट द मोस्ट, मतलब तो उनके द्वारा कितने प्रकार के ट्राइंगल है त्रिभुज बना सकते हैं, जब दो साइड्स दे दिया आपको और एक ऐसा एंगल दे दिया जो उन दोनों के अंदर शामिल नहीं है तो कितने त्रिभुज बना सकते हैं अपन, अगर ये साइड्स इक्वल है या एक दूसरे से बड़ी हो तो हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा एक। इफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टावर टू इट्स शेडो, कोई टावर है ये इसकी हाइट है, यह टावर हो गया अपना, ये इसकी शेडो हो गई, ये तो हो गया टावर और ये होगी इसकी शेडो, ये कह रहा है कि हाइट ऑफ मतलब हाइट और शेडो का रेशियो दे रखा है, इसको ले लो हाइट को ले लो अक्स और इसको ले लो अंडर रूट थ्री एक्स, तो हाइट तो हो गई आपकी अक्स और शेडो होगी अंडर रूट थ्री एक्स होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज, जो सूर्य का जो ओनियन कोण होगा वो क्या होगा, एलिवेशन बोला तो ये थीटा मान लेते हैं हमने एंगल, तो टेन थीटा वैल्यू रख देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास परपेंडिकुलर अपना अक्स अपन बेस किन है, बेस है रूट थ्री एक्स, कैंसिल ये आ गया एक बटा अनरूट थ्री और एक बटा अनरूट थ्री वैल्यू होती है अपनी 30 डिग्री की, 30 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इनको जोड़ना है, जोड़ने के लिए सिंपल एक ही फॉर्मेट है कि सिंपल लिख लो 1.000, पॉइंट्स को एक सीध में रखना है 0.1, पॉइंट्स 1.1, बाद में फिर से 0.111, मतलब कुल मिला कि पॉइंट को एक सीध में रखना है, तो 1.321 अपना आंसर हो जाएगा। इनकी वैल्यू पता नहीं है तो देखो एक बार जोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, एक बार ए माइनस बी कर लो, एक बार ए प्लस बी कर लो, तो ये हो जाएगा 67 माइनस 33, एक बार प्लस कर लो 67 प्लस 33, इस सात में से तीन गए चार, छः में से तीन गए तीन, और यहाँ इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 1, तो ये आंसर हो जाएगा 3400। इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे। फोर मैन कैन कम्प्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन फाइव डेज, मतलब चार आदमी पाँच दिन में ख़त्म करते हैं,
हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट 3 times द वर्क इन 4 days, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी उसके 3 गुना ज़्यादा काम को 4 दिन में समाप्त करने के लिए। तो देखो सिक्वेंसेस रखो, एफिशिएंसी को साथ में मेन रखो, वर्क डे के साथ में आवर को रखो। अब यहाँ पे आपको एफिशिएंसी नहीं दे रखी, नहीं आवर दे रखा, तो ये हटा दो, मेन वर्क इनटू डे रख लिया। अब देखो पहला केस कह रहा है कि 4 आदमी एक काम को 5 दिन में करते हैं, दूसरे केस में कह रहा है कि कितने आदमी उससे 3 गुना काम को 4 दिन में करेंगे, ये रख लिया। इसको इससे गुणा करो, इसको इसके साथ करो, 4 × 3 × 5 बराबर का चिन्ह लगा दो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो अक्स इंटू 1 × 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 × 3 = 15 इक्वल टू अक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 आदमी। नेक्स्ट है इसकी वैल्यू बतानी है, तो देखो 37 की वैल्यू अपने को टेबल याद है, 37 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो गया। 67 की वैल्यू कितनी होती है 3/2 स्क्वायर, ये हो गया 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, तो 4 लघुतम, तो 1 + 3 यानी 4/4 यानी 1 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था अपना एक वीडियो, इसके साथ में हमने एक मैथ का पेपर कंप्लीट कर लिया है रेलवे जेई का। नेक्स्ट पेपर देखेंगे येलो सेट देखेंगे, ग्रीन सेट के पूरे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, कोई डाउट हो तो कमेंट के अंदर अपने डाउट जरूर लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।